हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया था, तो ये उसी का मॉडिफिकेशन है। इसको बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या है ये, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर रिएक्शन देखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, उसके अगर सेम मॉलिक्यूल हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, और उसमें एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच होता था। ठीक है, ये हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में सारा कुछ, जो रिएक्शन कंडीशन है, जो मैकेनिज्म है, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट यहाँ पर जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो एडिशन होता था, यहाँ सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर टू डिफरेंट एल्डिहाइड या टू डिफरेंट कीटोन के बीच में एडिशन होगा, या फिर एक एल्डिहाइड और या एक कीटोन के बीच में भी एडिशन हो सकता है, और एडिशन का जो फैशन है वो सेम रहता है। मतलब देखिए, जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो टू डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर टू डिफरेंट कीटोन के बीच में एडिशन होगा, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में एडिशन होगा। तो इसी को क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक यहाँ पर है ये एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये यहाँ एसिटल्डिहाइड है जो कंबाइन कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, वो एसिटल्डिहाइड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड अलग है और ये एल्डिहाइड अलग है, ठीक है। तो इन दोनों एल्डिहाइड के बीच में अगर एडिशन हो रहा है, और एडिशन वैसा ही होगा, तो उसको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ एसीटोन है और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, तो इन दोनों के बीच में भी एडिशन हो रहा है, वैसे का वैसा ही हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग एटम के बीच में हो रहा है। यहाँ पे एसीटोन है, मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, यहाँ एक एसीटोन है, यहाँ एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको हमने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोल दिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे ही इसमें एडिशन जो हो रहा है वैसा ही हो रहा है। मतलब देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड का जो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका फॉर मीन्स सी एच ओ, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बाद जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। ये जो अल्फ़ा कार्बन है वो इसके कार्बोनिल, दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो रहा है, और अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ इस ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो देखिए, ये रिंग वैसे का वैसा ही है, सी एच O, एक H यहाँ से आएगा, तो सी एच ओ एच वैसे का वैसा ही है, फिर यहाँ सी एच टू सी एच ओ सी एच टू सी एच ओ, देखिए वैसे का वैसा ही है। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये ओ एच और यहाँ से एक H, ये दोनों निकले, तो यहाँ सी एच बचा, यहाँ भी सी एच बचा, तो इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा, देखिए ये बॉन्ड बन गया, तो ये सिनेमल्डिहाइड यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किस लिए बोला, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन जो है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो रहा है। ये एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोला। लेकिन एडिशन जो हो रहा है दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है। अब ये एसीटोन जो है, इस एसीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके इस कार्बोनिल ग्रुप के ये ओ पे आकर अटैच हो गया, तो एच यहाँ सी एच टू है, सी दो एच है, तो सी एच टू ओ एच, ठीक है, सी एच टू ओ एच, फिर सी एच टू सी ओ सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, इस तरीके से एडिशन हो रहा है। तो एडिशन तो वैसे ही हो रहा है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता था, बट दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। यहाँ पर एक कीटोन है और दूसरा एल्डिहाइड है, इसके बीच में हो रहा है।
तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप जो इसमें है वैसे का वैसा ही है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अब ये आपका देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो बेस के प्रेजेंस में हो रहा था, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्फा कार एक एटम के किसी एक एटम के जो एक जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एडिशन होगा उसमें जो एक मॉलिक्यूल होगा उसका जो अल्फा कार्बन होगा उससे अटैच जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा। तो ये H प्लस को इसने अपनी तरफ लिया तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड था ये टूटेगा और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा तो ये CH2- हो जाएगा। देखिए CH2 CHO और इस कार्बन पे माइनस चार्ज, तो ये कार्बोएनायन फॉर्म हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन में भी ऐसा ही होता था। अब ये जो कार्बोएनायन है ये दूसरे मॉलिक्यूल जो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास अटैक करेगा। अब यहाँ देखिए ये CH3CHO था, अब यहाँ HCHO है। ठीक है, तो ये HCHO के साथ ये अटैक कर रहा है। तो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन को माइनस चार्ज आएगा, कार्बन को प्लस चार्ज आएगा। अब कार्बन को प्लस चार्ज आ रहा है, ये माइनस चार्ज वाला है तो ये कहाँ पे अटैच होगा, इस कार्बन पे जाके अटैच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन को प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट वैसे का वैसा ही हो रहा है और ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसा ही है, ये यहाँ पर CH2CHO और ये जो C था वो यहाँ इस कार्बन से अटैच हो गया और ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट देखिए वैसे का वैसा ही है। जो वाटर मॉलिक्यूल बना था उस वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस आएगा और ये इस ऑक्सीजन पे आकर अटैच हो जाएगा। देखिए इस ऑक्सीजन पे आकर अटैच हो गया तो यहाँ एल्डोल फॉर्म हो गया, ये OH- वैसे का वैसा निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने रिएक्शन में क्या देखा कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो वो रिएक्शन जो है वो थोड़ा आगे यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये OH- तो पहले से ही था, तो ये OH- क्या करता है, वो इस ये जो कार्बन है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अपनी तरफ लेगा, ये अल्फ़ा कार्बन जो है इससे अपनी तरफ ये ले रहा है, अल्फ़ा कार्बन से एक और हाइड्रोजन इसने ले लिया तो ये CH यहाँ माइनस चार्ज आ गया। देखिए CH और यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो ये दूसरा कार्बोएनायन एक फॉर्म यहाँ होता है। ठीक, अब ये दूसरा कार्बोएनायन जो फॉर्म हो रहा है वो फिर यहाँ से OH- को रिलीज़ करता है। अब ये देखिए ये OH जो है वो OH- करके रिलीज़, ये OH जो है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके OH- अलग हो गया तो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के पास माइनस चार्ज है तो मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और यहाँ एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें जो एल्डोल बनते हैं उसके बाद थोड़ा एक्सटेंशन होता है रिएक्शन का, मतलब फिर से आपका जो बेस है वो अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन के अल्फ़ा हाइड्रोजन पे, वहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा तो कार्बोएनायन 2 बनेगा, फिर उसमें से OH- रिलीज़ होगा तो वहाँ पर अनसेचुरेशन आ जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो ये था क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जो कि एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक मॉडिफिकेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में एडिशन होता है, या तो दोनों एल्डिहाइड होंगे सेम एल्डिहाइड होंगे या तो दोनों सेम कीटोन होंगे, बट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये एडिशन होगा, या तो अगर दोनों एल्डिहाइड हैं तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे
और दोनों कीटोन हैं तो दो डिफरेंट कीटोन होंगे, या फिर एक एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा, और एडिशन जो है वैसे का वैसा ही हो रहा है। अल्फा कार्बन एक मॉलिक्यूल का अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, उसको कंबाइन करके एल्डोल फॉर्म करते हैं। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ा एक्सटेंशन होता है, एल्डोल बनने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड जो आपका एल्डोल बना था उसमें अनसेचुरेशन आता है। तो ये है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में तो सिंपल एल्डोल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। अगर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।